पंचशील सहित कई इलाकों में दिखी करोड़ों की संख्या में टिड्डी। लोगों ने होराइजन इंड को बताया आंखों देखा हाल। होराइजन इंड तक पहुंचाई टिड्डी की कुछ तस्वीरें। आज जमीन में लगभग 5 बजे करोड़ों की संख्या में टिड्डी आसमान में देखने को मिली। जब लोग बाहर निकले और उन्होंने टिड्डी देखी तो एकदम से घबरा गए। दरअसल 2020 साल वैसे लोगों के लिए इतना बुरा निकल रहा है और अब जिस प्रकार टिड्डी का आक्रमण देखने को मिला उससे लोग काफ़ी भयभीत हो गए। हालांकि टिड्डी आई और गुजर गई, किसी प्रकार का शहरी क्षेत्र में कोई नुकसान तो नहीं किया। पंचशील सहित के इलाकों में टिड्डियाँ देखने को मिली। आप इन तस्वीरों को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में टिड्डियों का दल यहाँ पर पहुँचा था। कुछ तस्वीरें हमें हमारे दर्शकों ने भेजी है जब आपको इस खबर के माध्यम से दिखा रहे हैं। पंचशील निवासी ब्रजेश माथुर ने आंखों देखा हाल बताया, जहाँ पर उन्होंने बताया कि एकदम से आवाज आने लगी और जब वह घर के बाहर निकले और आसमान में देखा तो करोड़ों की संख्या में टिड्डियाँ देखने को मिली। ब्रजेश माथुर का कहना है कि प्रशासन, मौसम विभाग या किसी भी प्रकार से कोई सूचना हम तक नहीं पहुंची थी, इसलिए लोग ज़्यादा घबरा गए। जी अभी अभी पंचशील क्षेत्र के अंदर जहां हम रहते हैं बी ब्लॉक में, वहां पर एक तेज आवाज़ के साथ हम लोग जब पूरे घर के बाहर निकले तो हमने देखा कि आसमान के अंदर टिड्डियों का एक बहुत बड़ा दल ऊपर मंडरा रहा है। क्योंकि इस बारे में प्रशासन द्वारा या मौसम विभाग द्वारा कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी, इसीलिए हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर हड़कंप मच गया। और कोरोना महामारी के कारण वैसे भी हम सब लोग घर के अंदर ही रह रहे हैं, बाहर थोड़ा कम ही निकलना हो पाता है, लेकिन अचानक पूर्व सूचना के जो मौसम विभाग द्वारा ये टिड्डियों का हमला हुआ तो थोड़ा दहशत का माहौल बन गया, हम लोग भी काफ़ी घबरा गए। और लेकिन बाद में हम लोगों ने राहत की सांस तब ली जब लगातार वो टिड्डियाँ गुजर के सीमा क्षेत्र से बाहर चली गई। अभी वर्तमान के अंदर तो हमको ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा है दूर दूर तक कि टिड्डियाँ यहाँ आए, लेकिन ये जो हमला हुआ है ये मौसम विभाग की पूर्व सूचना अगर हमको होती तो हम शायद ये जो घबराहट हुई है वो नहीं होती। मैं ब्रजेश माथुर, पंचशील नगर बी ब्लॉक से। Thank you.